हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। सब्सक्राइब कीजिए एमकेआर सपोर्ट चैनल को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाँ दोस्तों, आज हम एक प्राइवेट फोल्डर के बारे में बात करने जा रहे हैं जो लैपटॉप के अंदर में हम उसको हाइड कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, लैपटॉप या पीसी किसी के अंदर भी हम इसको इस टिप्स को यानी इस प्रोसीजर को इस प्रोसेस को हम लैपटॉप और पीसी के अंदर फॉलो कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, सपोज मान लीजिए कि कोई ऐसा एक प्राइवेट वीडियो है, कहीं शादी पे गए, फंक्शन में गए और वहाँ पे एक ऐसा वीडियो आपने शूट किया जो आप किसी को दिखाना नहीं चाह रहे हैं, और उस वीडियो को हम डायरेक्ट किसी भी फोल्डर में रखेंगे, तो जिसको भी पता नहीं होगा लैपटॉप के बारे में या सिस्टम कंप्यूटर नहीं जानता होगा, वो भी आदमी वहाँ से प्ले करके आपका वीडियो को देख सकता है। तो इसलिए हम आज इस फोल्डर के बारे में बात करें जहाँ पर आप अपने पर्सनल प्राइवेट वीडियो को वहाँ पर रख के आप हाइड कर सकते हैं। 98% लोग तो शायद नहीं ही देख पाएंगे चाह के भी। तो चलिए हम चलते हैं अपने डेस्कटॉप पे और बताते हैं कि इस फोल्डर को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं और कैसे हम इसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हमारा वो वीडियो कहाँ पे है। तो हर किसी का वीडियो कंप्यूटर में ही होता है। यहाँ पे हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद में सपोज़ हमारा जो वीडियो है वो प्राइवेट वो इस फोल्डर में है, तो हम इसको ओपन करेंगे। इसको ओपन करने के बाद में थोड़ा मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। सपोज़ हमको ये जो प्रोजेक्ट वन लिखा है, ये प्रोजेक्ट वन वीडियो को हमको छुपाना है, तो हम इसको क्या करेंगे, हम यहाँ से कट करेंगे और इस MKR टू फोल्डर पे लाके ओपन करेंगे और यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। ये यहाँ पे आ गया। अभी हम इसको बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद अभी क्या करेंगे, ये हमारा वो फोल्डर है, इस फोल्डर को अभी हम इसकी प्रॉपर्टीज में जाएंगे। यहाँ जाने के बाद में आपको एक यहाँ पे इस तरह से एक पेज ओपन आएगा और यहाँ पे एक सिक्योरिटी का ऑप्शन है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। देन इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे चार ऑप्शन में ऑथोराइज यूजर्स, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स, यूजर्स, एडिट में क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम डेनी में क्लिक कर देंगे। सारा सेलेक्ट हो गया देख सकते हैं आप। उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट आएंगे, सिस्टम में जाएंगे और वहाँ भी डेनी को सेलेक्ट करके सारा सेलेक्ट कर देंगे। देन एडमिनिस्ट्रेटर में आएंगे और यहाँ भी ऐसे इसको डेनी में सेलेक्ट कर देंगे। देन हम यूज़र पीसी में आएंगे और यहाँ भी कर देंगे। देन अब क्या करेंगे, अप्लाई, इसको हम अगर पढ़ना चाहें तो विंडोज सिक्योरिटी का कुछ इसका फ्लो रूल है जो आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे डू यू वांट टू कंटिन्यू, हम यस कर देंगे। देन ओके कर देंगे और यहाँ भी हम ओके कर देंगे। एक बार हम रिफ्रेश कर लेते हैं इसको। अब देखते हैं इस फोल्डर को ओपन होता है या नहीं। सबसे पहले आप देख सकते हैं नीचे में, ना ही आप इसका नाम को बदल सकते हैं ना ही इसको डिलीट कर सकते हैं। अगर हम डिलीट करते हैं तो इस तरह से ट्राई अगेन, आपको ट्राई अगेन करते रहना पड़ेगा, ये डिलीट नहीं होगा। कैंसिल कर देते हैं और इसको हम ओपन करने की कोशिश करते हैं। देखो ये ओपन भी नहीं होगा, ओपन भी नहीं होगा। तो ओपन करने के लिए अभी क्या करना पड़ेगा, हमको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद में सिक्योरिटी लैब टैब आएगा, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद सेम फोर टिप्स आएगा यहाँ पे, मतलब फोर ऑप्शन आएगा। पहला ऑथोराइज यूजर्स, सिस्टम्स, ये पीसी यूजर्स, मेरा नाम आ रहा है मेहतब, और यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर्स। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सेम हम एडिट कर देंगे। इस तरह से ऑप्शन आएगा, रिमूव पे क्लिक करेंगे, ये सारा रिमूव हो गया। सिस्टम पे आएंगे, फिर से रिमूव करेंगे, सारे रिमूव होंगे। फिर तीसरा नंबर ऑप्शन पे आएंगे, इसको भी रिमूव कर देंगे, एक बार और रिमूव करेंगे। और यूज़र में आएंगे और यहाँ पे भी रिमूव कर देंगे, रिमूव करें, अब अप्लाई कर देंगे, ओके कर देंगे और यहाँ भी ओके कर देंगे। सेक्रेटरी टैब है, इसको हम क्लोज कर देंगे और एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। अब देखेंगे ये अब यहाँ से डिलीट भी होगा, अगर हम करना चाहें तो यस करेंगे तो डिलीट हो जाएगा, तो हम नो कर लेते हैं। ओपन करेंगे तो ये अब ओपन भी होगा,
ये पले भी होगा, तो हम इसको कॉल कर लेते हैं, बैक आते हैं। था ना बिल्कुल आसान। तो इस तरह से करके आप अपने लैपटॉप के या आप अपने पीसी के अंदर जो भी आपकी पर्सनल वीडियो है, आपकी फैमिली की या आपकी गर्लफ्रेंड की या जिसकी भी जो भी वीडियो हो, आप उस वीडियो को इस तरह से हाइड कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह से हम टेक्नोलॉजी वीडियो लेके आएंगे, आने वाले हैं। लेटेस्ट ये चैनल हैं और लेटेस्ट सी टी वीडियो इस पे आने वाले हैं, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, ताकि कोई भी वीडियो हम इसके पे अपलोड करेंगे वो आपकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। साथ में इस बेल आइकन को भी आप दबा दीजिएगा, ताकि आपको इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो ओके दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।